हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके म्यूजिक। और ये है एपिसोड 1 प्रोड्यूसर एडिशन सीरीज़ का। और ये मैंने सीरीज़ इसलिए शुरू करी है क्योंकि जब नया नया बनाना सीखना शुरू किया था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता था कि यार हम एक बढ़िया सी बीट कैसे बना सकते हैं। तो जब भी मैं पहले बीट बनाता था तो उसके अंदर काफ़ी दिक्कत आती थी कि जो हमारी जो बेस और जो किक था वो बहुत ही ख़राब साउंड करता था। तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाला और देखा, ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी और फिर उसके बाद मैं एक थोड़ी सी अब एक अच्छी बीट बनाने लग गया हूँ। तो यही सोचा मैंने कि ये नॉलेज आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, एक सिंपल सी अभी एक किक ली है, एक ये स्नैप ली है। ओके, इसकी हम एक जल्दी से एक छोटी सी बीट बनाते हैं, एक बीपीएम सेट कर लेते हैं 120 अराउंड। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सी एक बीट बना दी है। अब इसको बढ़िया कैसे बनाएं, बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल साउंड कर रही है। अभी इसके अंदर मैंने कोई और चीज़ें ऐड नहीं करी और सैंपल्स ऐड नहीं करे, मगर जो हमारी जो किक है, जो उसका मज़ा है जब एक बजे हमारे वो स्पीकर के अंदर, जो कहते हैं ना गाड़ी के अंदर बेस बुम बुम बजे, अब वो बजे तो कैसे मज़ा कैसे आए। हम उसके लिए लगाते हैं अपने किक के साथ 808s, जो ये मज़ा देते हैं, ये हमारे वूफर्स को वही कहते हैं जैसे बेस बूम बूम बजा, तो ये होते हैं वो हमारे 808s। तो इसको भी चलिए ले लेते हैं साथ में। ये मैंने अभी कुछ बाहर से कुछ नहीं लिया है, ये सब आप का FL स्टूडियो का सब स्टॉक सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मैंने ये साथ में ऐड कर लिया 808 किक। अब मैंने इसको भी इसके साथ में लगा दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये अभी भी अच्छा साउंड नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे पता है हाँ ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा। तो सुनिए एक बार ये कैसा साउंड करता है, जो नए नए होंगे उनको लग रहा होगा कि यार ये काफ़ी मोटा हो गया, काफ़ी अच्छा है, अब जो बेस है वो काफ़ी अच्छा आएगा, मगर नहीं, जो हमारा बेस है वो हमारे किक के साथ क्लैश खा रहा है और वो उसको पूरी जान नहीं दे रहा, और जो खुद 808 किक है वो पूरा आगे उसको कवर कर रही है और उसको भी वो आगे अपना काम नहीं करने दे रही। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। जिनको नहीं पता, हमने लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, अपने मिक्सर में गए, राइट क्लिक करके चैनल राउटिंग पे जाके रूट सिलेक्टेड चैनल फ्रॉम दिस ट्रैक, तो हमने ये डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये किक है और जो हमारी 808 किक है, इन दोनों को साथ में मिला देंगे। ये मैंने नीचे से करके इन्हें राउट कर दिया। अब हम जाएंगे अपनी 808 किक के अंदर और यहाँ से स्लॉट पहले के अंदर मैं लगाऊंगा फ्रूटी लिमिटर। फ्रूटी लिमिटर के अंदर जाके हमारे को लिमिट वाले पार्ट में नहीं जाना है, कंप्रेशन वाले पार्ट में आना है, साइड चेन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक एंड देन हमारी किक को सेलेक्ट कर लेना है। और थोड़ी सी सेटिंग करनी है, जो ये थ्रेशोल्ड है इसको हम ले जाएंगे नीचे, ओके, और जो ये रेशियो है इसको ले जाएंगे लगभग इतना, और यू कैन से ओके। तो अब जब हम इसे सुनेंगे तो इसके अंदर अब हम कह सकते हैं कि जो बेस है वो बूम बूम करके बज सकता है गाड़ी की बेस ट्यूब के अंदर, ओके, जो दिल्ली वाली भाषा है वो यही होती है। तो एक बार विदाउट सुनते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि पहले क्या था। अभी जो हमारी स्नैप है वो भी काफी अच्छी साउंड नहीं कर रही है, उसको भी थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। आप मिक्सर में भी देख सकते होंगे कि जो हमारी 808 जो किक है वो उसको अबव जा रही है हमारी नॉर्मल किक के। अब हमने इसे किया ऑन, और साथ ही में आप उसका लेवल भी मैच कर सकते हैं कि वो दोनों एकदम साथ में कैसे आ गई हैं। तो ये था हमारा जादू बस जो हमने किया। अब जब हमारी बीट जब बजेगी तो इसके अंदर मजा आ जाएगा। जो हमारी जो स्नैप है इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा रिवर्ब डाल देते हैं जिससे कि थोड़ी सी अच्छी साउंड करे, थोड़ी सी निखर के आए, क्योंकि अगर खाली बीट चल रही है, मेरे पास और अभी चीज़ें मैंने नहीं ऐड कर रखे सैंपल्स, तो ये भी अच्छी साउंड करनी चाहिए एंड इसका पंच आना चाहिए। ओके, एक बार दोबारा सुनिए, ये था विदाउट
इसके साथ ही ऑन करूंगा, आपको एकदम से पता लग जाएगा कि क्या फर्क था बीट के अंदर। ये नीचे चला गया गलती से, नो वरीज। तो आप अब देखिए इन दोनों का दोबारा लेवल मैच हो गया और अब ये काफी अच्छा साउंड कर रही है सुनने के अंदर, और जब हम इनके ऊपर बाकी एलिमेंट्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स ये ज़्यादा अच्छा साउंड करेंगी। उसके लिए तो हम पूरा ट्रैक बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो मेरा आज का ये जो टॉपिक था साइड चेन का, जो किक को बढ़िया साउंड करने का था, वो छोटा सा बस इतना सा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो एफएल स्टूडियो को लेके तो प्लीज़ मेरे से नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ओके सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, टिल देन बाय बाय।